बिहार के बेगूसराय जिले में सीरियल फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अंधाधुंध गोली चलाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा दो अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं जो इस साजिश में शामिल थे। शुरुआती जाँच में पता चला है कि आरोपियों ने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थी। हालांकि पुलिस को दूसरी बाइक और उस पर सवार अन्य आरोपियों की तलाश है। पुलिस को शक है कि इस साजिश में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। बेगूसराय गोलीकांड पर एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि पकड़े गए चारों आरोपियों पर पहले से संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। चारों आपराधिक छवि के लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मंगलवार शाम को चार अपराधियों ने दो बाइक पर सवार होकर बेगूसराय जिले में 30 किलोमीटर तक लगातार फायरिंग की थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हुए थे। हम लोग सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। चारों का नाम क्या है? नाम बताइए सर, नाम। देखिए, इसमें जो पहले गिरफ्तार का नाम है उसका नाम चुनचुन कुमार है, ये बिहट के रहने वाले हैं, थाना बरौनी, इसका भी आपराधिक इतिहास है। सुमित कुमार है, ये पिपरा बरौनी थाना का रहने वाला है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। केशव कुमार उर्फ नगवा, ये भी बरौनी का रहने वाला है, एफसीआई थाना अंतर्गत। और युवराज उर्फ सोनू, ये जैमरा रिफाइनरी ओपी का रहने वाला है। अर्जुन कुमार, सुमित कुमार, केशव नागा और चौथा का नाम अपने क्या बताया? युवराज। जो घटना हुई थी उसमें शामिल चार अपराध कर्मियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। घटना में प्रयुक्त दो देसी पिस्टल को पुलिस ने जब्त किया है, 5 कारतूस के साथ। घटना में जो एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना में अपराध कर्मियों ने जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया था, जो सीसीटीवी में दिख रहे थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। और घटना में जो इन लोगों ने 4 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए थे उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। मैं इस सिलसिले में आपको बता दूं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी बेगूसराय और पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा 4 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और इसमें हम लोग को नज़दीक के जो 6 जिले हैं, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, रेल पुलिस जमालपुर से वेल कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट मिला। साथ में एसटीएफ, सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की भी हम लोग को लगातार इसमें मदद मिली। अब तक 22 स्थलों से जो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग ने अवलोकन किया उसके आधार पे 2 बाइक पे 4 अपराधकर्मी इस घटना को कारित कर भागते हुए दिखाई दिए थे। सूत्रों से जो जानकारी मिली थी और फुटेज से जो मिलान किया था उसके आधार पे इन अपराधियों की गिरफ्तारी की और इनसे ये सारी चीज़ें मिली हैं। मैं इसमें आगे आपको बता दूँ कि जो हम लोग ने टेक्निकल सर्वेलांस किया था घटना के तुरंत बाद और जो सीसीटीवी की फुटेज हम लोग को आई थी उसके आधार पर युवराज को चिन्हित किया गया था और युवराज की गिरफ्तारी की। पूछताछ में युवराज ने अपना अपराध स्वीकार किया। युवराज ने बताया कि उसके बाइक के पीछे जो लड़का बैठा हुआ फुटेज में दिख रहा है वो सुमित है और उसने बताया कि घटना में जो उसने एक येल्लो रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी ये सुमित के घर पे है। इसके बाद तुरंत टीम ने सुमित के घर पर छापा मारा और सुमित के घर में वो येल्लो जो टी शर्ट है उसको पुलिस ने बरामद किया है। इसके बाद सुमित को भी अरेस्ट किया गया। युवराज की निशानदेही पे इस घटना में 2 देसी पिस्टलों का जो इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसको पुलिस ने निशानदेही पे बरामद किया और युवराज की निशानदेही पे जिस बाइक पे युवराज बैठा हुआ था येल्लो रंग की टी शर्ट पहन के जो सभी ने देखा है उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में जो दूसरी मोटरसाइकिल थी उसके बारे में 2 अपराधकर्मियों के बारे में इन लोगों ने बताया है जिसपे हमारी विशेष टीम अभी काम कर रही है। लेकिन पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनके साथ इस घटना की प्लानिंग और षड्यंत्र रचने में चुनचुन और केशव नगवा भी शामिल थे। ये सभी पहले से एवं घटना के समय आपस में फ़ोन के माध्यम से लगातार संपर्क में थे। इस बात की जब टेक्निकल एनालिसिस से जांच की गई तो इसको सही पाया गया और उसके बाद चुनचुन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद टीम नागा की तलाश की। लेकिन उस समय तक जो केशव उर्फ नागा है वो जिले से बाहर भाग चुका था तो विशेष टीम ने इसको झाझा जमुई के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया और वहाँ से इसको लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चुनचुन है उसमें मर्डर का 1 केस, लूट के 2 केस, आम शक के 3, कुल 6 संगीन मामले दर्ज हैं। 2.5 साल जेल में रहा है और कुछ ही दिन पहले जेल से निकला है। केशव उर्फ नागा इसमें भी आर्म्स एक्ट के 2 मामले दर्ज है, हथियार रखने के जुर्म में ये भी पहले जेल जा चुका है और सुजित पे भी 1 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। तो देख सकते हैं कि इन सभी पे संगीन धाराओं में जो आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस इन पे लगातार कार्रवाइयाँ करती रही है। मैं आपको बता दूँ कि इस घटना में लाइनर के रूप में अन्य लोग भी हो सकते हैं और इसकी जाँच अभी हो रही है। देखिए, अब तक
इस अनुसंधान में प्रथम दृष्टि पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना है। मकसद के अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी सर नागा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसको जबरन उठाया गया, जिस समय घटना घटी थी उस समय वो एक होटल कहीं अन्यत्र मौजूद था, कहीं अपने घर पे मौजूद था और एक जगह जिस समय घटना घटी उसका कहना है कि जबरन पुलिस उसको फंसाया गया, उसका क्या भूमिका रहा है? ये मैंने अभी अपने संबोधन में आपको बताया है कि इसमें कुछ लोग घटना की षड्यंत्र रचने में और प्लानिंग करने में शामिल थे। घटना के पहले और घटना के समय जो लोग अपराध कर रहे थे उनसे ये लोग लगातार फोन के माध्यम से संपर्क में थे। उसकी पूरी विधिवत जो टीम्स आई थी उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जाँच की है, उसमें मूवमेंट भी सस्पेक्टेड पाया गया है, लगातार बातचीत भी पाई।